सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर इस सभागार में एकत्रित हुए हैं 5 सितंबर पर, तो इसलिए एकत्रित हुए हैं। आज का दिन 5 सितंबर जो एक किसी हमारे अध्यापक यानी डॉक्टर सर्व पल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो हमारे अध्यापक ही नहीं, एक शिक्षक ही नहीं, एक महान भारत के दार्शनिक भी थे और एक महान आपके विद्वान भी थे, जो हमारे इस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे हैं। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए, उन्हीं को नमन करते हुए आज इस सभागार में एकत्रित हुए हैं। इस 5 सितंबर और जो हमारे आपके डॉक्टर सर्व पल्ली राधाकृष्णन थे, उनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। 1888 ईस्वी में जब उनका जन्म हुआ था, वो एक ब्राह्मण परिवार से, तमिलनाडु के रहने वाले व्यक्ति थे, ब्राह्मण परिवार से, गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। जब उन्होंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की तो वो इतने सक्षम नहीं थे कि वो अपनी एजुकेशन को यथावत चलाने के लिए अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से, उस हिसाब से जैसे आज आपका, आज आप लोग जैसे बैठे हुए हो बेंचेस पे, इस प्रकार से एजुकेशन प्राप्त कर सकते। वो टाइम, वो दौर आपका पीछे का दौर था, लेकिन उनके सामने कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आईं जिन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने एक अपना शिक्षण कार्य स्टार्ट किया। जैसे जैसे आजकल के जितने भी हम लोग जैसे हैं, एक ट्विटर के रूम में एक छोटी संस्था लेकर के पढ़ाई करवाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, उसी हिसाब से उन्होंने भी कोचिंग खोली। तो वहाँ से जब उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते लगातार एक स्टेज वो आई कि 1962 ईस्वी में एक 1962 ईस्वी का ऐसा बैच निकला उनका कि वहाँ पर बच्चों के मन में, बच्चों के हृदय में एक भावना जागृत हुई कि हम अपने सर का एक जन्मदिन मनाएंगे। तो वो अपने सर के पास आए, उन्होंने कहा कि सर मैं आप लोगों का आपका जन्मदिन मनाना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपका जन्मदिन मना सकते हैं। लेकिन सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के दिल में बहुत ही गर्व हुआ, खुश हुए, तो उन्होंने यही कहा कि आप एक हमारा अलग से जन्मदिन ना मनाकर एक शिक्षक के सम्मान के रूप में जन्मदिन मनाएं। एक शिक्षक का सम्मान आप अगर उस हिसाब से मनाते हैं तो हमारे दिल को और तसल्ली मिलेगी और खुशी होगी। तो बच्चे उस पर एग्री हो गए। तो उसी दिन से यानी 5 सितंबर 1962 ईस्वी से संपूर्ण भारत में ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और शिक्षक दिवस मनाते मनाते आज इस संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में आपका नाम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में, हम ही नहीं, संपूर्ण भारत में आपके प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक दफ्तर में, कहीं पर भी आप, जहाँ पर भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी दफ्तर हैं, सभी में क्या हो रहा है, 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको जानते हैं।